काफ़ी फीमेल्स को ना PCOS का पता नहीं हो सके, PCOS क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, बस ये समझते हैं कि हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, इस महीने पीरियड्स नहीं आए, अगले महीने नहीं आए, तो हमने कहा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो पीरियड्स ना आना ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, बांझपन का इशूज़ आते हैं, फर्दर जिन लोग फीमेल के अंदर एग्स वगैरह के इशूज़ बन रहे होते हैं, या ओवरी के अंदर मतलब इशूज़ आ रहे होते हैं, या पानी की थैलियाँ बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्लिनिकल डाइटेशन एंड न्यूट्रिशनल डॉक्टर किला मुश्ताक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि मोस्ट कॉमन फीमेल के अंदर ये इश्यूज़ होते हैं PCOS, इसका कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है, कौन सी ऐसी डाइट है जो हम पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि अपनी डाइट के अंदर लेकर आएँ, अपने लाइफ स्टाइल के अंदर लेकर आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चियों को या फीमेल को PCOS का मसला होता है, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, जितना भी होता है ट्रीटमेंट मैं 3-4 मंथ के अंदर PCOS के इशू सही कर देती हूँ, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइफ मॉडिफिकेशन की तरफ जाए, जिसके अंदर सिंपल स्टेप्स आते हैं कि आपने अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत इजी चीज़ें लेकर आनी है, एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट वगैरह करने हैं, अपनी डाइट को मेंटेन करना है, फास्ट फूड वगैरह प्रोसेसिंग चीज़ें अपनी डाइट के अंदर नहीं लेनी। जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती हैं, कोई रूटीन नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं करती, तो जब भी उनको पीरियड्स के इश्यूज़ आते हैं तो वो एक एक महीने बाद उनको इश्यूज़ आते हैं, तो 3 महीने या 4 महीने उनको पीरियड्स नहीं आते। तो पीरियड्स ना आना ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, बांझपन का इश्यूज़ आते हैं, फर्दर जिन लोग फीमेल के अंदर एग्स वगैरह के इश्यूज़ बन रहे होते हैं, या ओवरी के अंदर मतलब इश्यूज़ आ रहे होते हैं, या पानी की थैलियाँ बनती हैं, या हाइजीन के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो फर्दर उनको PCOS के मसले होते हैं कि एक दिन पीरियड्स आया, दूसरे दिन पीरियड्स नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए, तो ये बहुत इशू कॉमन हो रहे हैं फीमेल में। हर 3 में से 2 बच्चियों को इशूज़ आते हैं, जो मेरे पास आके पहले सबसे पहले तो डाइट प्लान की बात करते हैं, हमें ऐसा डाइट प्लान दें जिससे हमारा PCOS सही हो सके। तो गायने के डॉक्टर तो आपको मेडिसिन और ट्रीटमेंट कर देती हैं, हम जब आपको डाइट प्लान बताते हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ तक जाता है, ये 1 महीने के अंदर सही होने वाला नहीं होता, क्योंकि इंटरनल इशूज़ होते हैं, साइन सिम्टम आपके फेस के ऊपर नजर आते हैं। काफ़ी फीमेल्स को ना PCOS का पता नहीं हो सके, PCOS क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, बस ये समझते हैं कि हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, इस महीने पीरियड्स नहीं आए, अगले महीने नहीं आए, तो हमने कहा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जैसे आपको फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पिछले महीने नहीं आए, तो आप अगले महीने डॉक्टर पास जाएँ, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ, अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, अपनी डाइट को अच्छा रखें। PCOS की डाइट क्या होती है? PCOS की डाइट बहुत सिंपल सी होती है, हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं डाइट प्लान देती हूँ, सबका डाइट प्लान डिफरेंट होता है, ये नहीं है कि अगर मदर को PCOS का मसला है तो बच्ची कहती मैं वही डाइट प्लान फॉलो कर लूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपकी मदर मैरिड है, आप अनमैरिड हैं, तो दोनों का डाइट प्लान बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं जितना भी डाइट प्लान चीज़ें डालकर देती हूँ उसके अंदर कार्ब्स की मकदार कम होती है, आपने सिर्फ ये नहीं करना अपने डाइट प्लान के अंदर सिर्फ रोटी की मकदार कम कर दें, ओवरऑल आप अपनी डाइट के अंदर दूसरी चीज़ें वगैरह भी डालते हैं, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, फैट कम कर देते हैं, प्रोसेसिंग चीज़ें बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, होममेड चीज़ें होती हैं, PCOS के सैशे होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टी विटामिन ऐड किए जाते हैं, फिर जाके उन बच्चियों का 15-15 दिनों बाद डाइट प्लान चेंज किया जाता है, फिर जाके उनका ट्रीटमेंट सही चलता है। तो इंटरनल इशू को सही करने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके PCOS के मसले सही होते हैं। इसके बहुत कॉमन होने की वजह यही है कि काफ़ी बच्चियाँ जिनको PCOS का इशू होता है, तो मैं उनको ये बताती हूँ सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्टिविटीज़ लेकर आएँ, प्लान्स करें, जो इशूज़ आपको हैं उनसे नोट करें, उस पर फोकस करें, तो आप इस इशू से काम मतलब कि इसे ख़त्म कर सकती हैं। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर लेंगे, आप इस पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपको बांझपन का मसला आएगा, बांझपन मतलब कि फ्यूचर में आप मदर नहीं बन सकती। तो जो लड़कियों को या फीमेल को मसले होते हैं, तो मैं उनको ये बात ज़रूर क्लियर कर देती हूँ कि इसको टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपको 1-2 साल से PCOS का मसला है जिसकी वजह से आपका वेट स्टक हुआ हुआ है, तो इसके लिए आपको डाइट प्लान के अंदर वो चीज़ें डाली जाती हैं जो आपको उस ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करती हैं। तो MMTs के अकॉर्डिंग मेरी स्पेशलाइजेशन इन्हीं चीज़ों के ऊपर है, PCOS के ऊपर, वेट गेन के ऊपर, वेट लूज के ऊपर, जिन लोगों का वेट स्टक हुआ था उनको रिड्यूस करते हैं, बैली फैट, मेल को अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, मेल को बैली फैट रिड्यूस करने में मैं हेल्प आउट कर रही होती हूँ, तो उसके अंदर डाइट प्लान बहुत ज़्यादा पार्ट अदा करता है। तो ट्रीटमेंट के अंदर ये चीज़ें सारी आती हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दी है, उसके साथ साथ पेशेंट को मैं सब चीज़ों के मुताबिक बता रही होती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और वीडियोज़ मतलब कोई और टॉपिक में वीडियोज़ मतलब बनाना चाहती हैं, कोई लिंक्स हमें बता सकते हैं, आप लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मेरा दिया हुआ नंबर पर आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, फिजिकल भी ले सकते हैं। थैंक यू।